ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो दे शुड नॉट गो ऑन द इंटरनेट दरकार शुड गो ऑन द इंटरनेट और नो Once it goes on the net, it will be circulated. Srimad Bhagavatam, my gala bhi baitha hua, jukam bhi hai. So, Bhagavatam, 5th skand, 6th adhyay, 10th adhyay, shlok 25.
माता जी शब्दार्थ वैष्णव की निंदा करता है, तो इसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक
कष्ट भोगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की पंचम स्कंध के अंतर्गत गणधर तथा महाराज रोहण जी वार्तालाप जिसने ध्यान के अपने वेदांत का करें पूर्ण हो। ये श्लोक ये क्या किया आपने? हरे कृष्ण, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, मैं चाहता था एक बार फिर से आप अनुवाद दोहराइए। ये क्या हो गया साउंड को? हरे कृष्ण अब दोहराइए। श्लोक इनको आपके पीछे दोहराने दो, बस एक सीख जाएंगे। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं और देहात बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरे तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला। आपके संकल्प जबकि मैं अपराधी हूँ, इसलिए भले ही मैं शिव जी के समान बलवान बना हो, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। ओम ज्ञानमनंदस्य ज्ञानंजनाशलक्य चक्षुरमृतानेन तस्मै श्रीचैतन्य मनोवृत्तस्थापनामेन भूत स्वयं रूपकलाम। जय श्री हरे कृष्ण ना विक्रिया विश्वासुरत सोगसकासिया समीना विमाते वापी मार्ग दमना स्वा कृतति मद्रन कनक्षत अदारात अभी सूल पानी। तो इस श्लोक का उच्चारण महाराज रघुगुना कर रहे हैं, और जैसे आप सुन बैठे हो महाराज रघुगुना राजा थे, साथ में उनके पास धार्मिक ज्ञान भी था। राजा होते हुए थोड़ा शारीरिक संबंध भी था, राजा होने के कारण उनके मन में ये भाव था कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पर जब उन्होंने जब भारत की शिक्षा सुनी तो वो समझ गए कि उन्होंने अपराध किया है। ये जो गूंग और बहरा व्यक्ति है, गूंग और बहरा नहीं है पर आत्मज्ञानी व्यक्ति है, और क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था वो समझ गए कि उन्होंने अपराध किया है। तो पिछले कई श्लोकों के द्वारा ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है वैष्णव अपराध से बचने के लिए। वैसे आप शास्त्रों में अनेक स्थानों में पढ़ते हो कि किस प्रकार हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हम लोग सुबह लगभग हर मंदिर में 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं, और सबसे पहले कौन से अपराध का वर्णन करते हैं? हाँ, जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। हमारी समस्या यह है कि हम रोज सुनते हैं कि हमें कैसे बचना चाहिए, जब भी हम बच नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी गहरी बीमारी है। तो महाराज रघुनाथ स्वीकार कर रहे हैं कि जल भारत कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो स्वयं आत्मज्ञानी है।
और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं वो मेरे स्वामी। उन्होंने जद भारत को बड़े आदर से कहा, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे स्वामी। वो स्वीकार कर रहे हैं कि आपसे मैंने शिक्षा ग्रहण करना है, ओ मेरे स्वामी, आदर से बोल रहे हैं। तुम जो हो, आप जो हो, परम भगवान के मित्र हो और सब जीवात्माओं के मित्र हो। जो भगवान का भक्त होता है वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। भगवतम के तीसरे स्कंद में देवभूति ने पूछा अपने बेटे कपिला देव से कि कैसे हम बहुत ही कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो जिनके द्वारा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और बेटे ने कहा कि भक्ति योग एक साधन है जिसके पालन से आप मुक्त हो सकते हो जन्मृत्यु के बंधन से। आगे माता ने पूछा भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है, और उन्होंने कहा भक्तों की संगति द्वारा। और आगे पूछा भक्तों के गुण क्या होते हैं। आप कह रहे हो कि भक्तों की संगत में रहना चाहिए, हम कैसे पहचाने कौन भक्त है कौन नहीं है। सच बात है, हम कैसे पहचाने। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने क्या कहा, दीक्षा करुणी का सुविधा सर्व नहीं अजय सर्व शांत साधु साधु भूषण। एक गुण वैष्णव में ये होता है तितिक्ष्वा, सहनशील। भगवान के जो भक्त हैं उन्हें सहनशील होना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को प्रकट करते हैं अपने शिक्षा आचार के श्लोक में, जिना तक इसने चेना रोड़ पी सहना हमारे न मन देना इतना दिशा। करुणी कहा दयालु, दया की भावना होनी चाहिए, और दया की भावना हम प्रकट करते हैं भगवान के प्रचार के माध्यम से। सूर्य सर्वाधीन वो सबका मित्र है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो सबके मित्र हैं। वो ये नहीं सोचते ये हमारे डल का है वो सामने के डल का है, हमारा और तुम्हारा। कई बार हम इस कॉल में आकर एक ही मंदिर के भक्त होते हुए भी कहते हैं ये हमारा ये तुम्हारा है, हम दो दो डल बना देते हैं, तीन तीन डल बना देते हैं। पर कपिल देव भगवान ने कहा सूर्य सर्वा नहीं ना, जो भगवान के भक्त हैं वो सबके मित्र हैं। आप भगवत में पढ़ते हो कि प्रहलाद महाराज के पिता चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी जाए। ये दरवाज़ा थोड़ा बंद कर सकते हैं या हवा कम आएगी, आप लोग अंदर आ जाओ, आधा बंद कर दो बस। जो प्रहलाद के पिता थे उनकी इच्छा थी कि प्रहलाद को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। राजनीतिक शिक्षा क्या मतलब, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, यू आर माई फ्रेंड आई एम योर एनिमी, तुम मेरे मित्र हो ये मेरा शत्रु है। जो मित्र हाथ हाँ में हाँ नहीं मिलाता वो शत्रु है, जो हाँ में हाँ मिलाता है वो मेरा बंधु है। ऐसी बुद्धि रहती है हमारी। पर प्रहलाद ने कहा मेरा कोई शत्रु नहीं है, जो मुझे आरोप लगाता है वो भी मेरा मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। और मैं ये शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी कई बार कहते थे हम सब एक ही, दोनों दरवाजे बंद बंद करो आधा एक बार। प्रभुपाद जी कहते थे हम सब एक ही दल के सदस्य हैं। तो यही भाव यहाँ महाराजों को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जद भारत कौन है, कौन है जद भारत, संत।
ऊंची कोटि का संत साधारण साधु नहीं, असली साधु। तो असली साधु की महिमा करते हुए ये रोगना कह रहे हैं, आप तो सबके मित्र हो, ये थोड़ी क्या आप एक के मित्र हो एक के शत्रु। ये भाव हमारे हृदय में बैठ जाना चाहिए, हम सब एक ही दल के हैं, हम सबके मित्र हैं। ये नहीं ये मेरा ज़्यादा प्रिय मित्र है तो ये मेरा ये प्रिय मित्र है, ये ज़्यादा निकट का बंधु है, सब एक साथ एक जैसे हैं। तो रुकना कह रहे हैं आप परम भगवान के भी मित्र हो, तो भगवान का उत्तम कोटि का भक्त है वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है निष्काम भाव से। तो यहाँ कहा जा रहा है माँ रघुनाथ के द्वारा, आप जिस भारत सबके मित्र हो और सब व्यक्ति आपके मित्र हैं, आपका कोई शत्रु नहीं। ये था प्रभुपाद जी का भी भाव, हमारा कोई शत्रु नहीं। एक समय हम प्रभुपाद जी के साथ एक प्रोग्राम में गए थे कनाडा में, ये कथा शायद मैंने आपको पहले सुनाई है, एक स्कूल के प्रोग्राम में गए थे 1968 में, क्रिश्चियन स्कूल का प्रोग्राम था और प्रभुपाद ने शाम के समय वहाँ लेक्चर दिया। लेक्चर के पश्चात प्रभुपाद जी हमेशा पूछते थे एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है। तो एक हिंदू बंगाली भक्त नहीं रहे कब समय मंदिर आता था, उसने प्रभुपाद जी की बड़ी बेइज्जती की प्रश्नोत्तर में। उसने कहा कि आप ये संदेश क्रिश्चियन देशों में क्यों दे रहे हो, ये इंडिया में दो। तो भक्त को तो क्रोध आ गया था पर प्रभुपाद बिल्कुल सहनशील थे। और दो महीने बाद जब प्रभुपाद जी जा रहे थे मॉन्ट्रियल छोड़ के, उन्होंने कहा बुलाओ मुकुल जी को, और जब बुलाया उसे आशीर्वाद ही चलने से पहले। ये है संत का भाव, जो उसकी आलोचना करे उसे भी अपना मित्र मानता है। लाल नान के पिता ने क्या नहीं किया, पहाड़ों से फेंका, झेलू सांपों ने घेरा, झेर खिलाई गई, चारों तरफ आग लग गई, पर जब भी भगवान ने उनकी रक्षा की, रक्षा राखे कृष्ण माने के माने कृष्ण राखे। और जब ध्यान का वध हुआ तो प्रहलाद ने क्या मांगा भगवान से, प्रहलाद ने कहा हालांकि मेरे पिता इतने दुष्ट भाव के थे, हालांकि उन्होंने मुझे अनेक रूपों से कष्ट पहुँचाने का प्रयास किया, मैं जब भी एक प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको आप मुक्ति दे दो, उनका उद्धार कर दो। प्रहलाद ने ये नहीं कहा बदला दो, उनका उद्धार कर दो। युधिष्ठिर महाराज और पांडव भाइयों को अनेक प्रकारों के कष्ट सहने पड़े, क्योंकि दुर्योधन की सेना उनके भाई चाहते थे किसी प्रकार से पांडव का वध हो जाए। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने कह दिया था मैंने किसी का पक्ष नहीं लेना। तो दुर्योधन ने कहा हमें भगवान ही चाहिए, हमें तो उनकी सेना चाहिए, भगवान ने तो कह दिया है उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लेना। और अंत में पांडव भाइयों की विजय हुई क्योंकि भगवान के भक्त है। तो हर रूप से उन्हें कष्ट देने के प्रयास किया और वो असफल हुए। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने क्या कहा धृतराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि क्या सुविधा चाहिए बोलिए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा महल दे दिया रहने के लिए, तो ज़्यादा लगाओ देखो उनका व्यवहार, यहाँ ये सब प्रयास कर रहे थे अन्य भाइयों का वध करने के लिए, उनकी विजय के पश्चात वो क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हम आपको और विदेश
वो इतने अच्छे महल का सुविधा बना दिया कि इतना अच्छा लगा कि अंदर मेरी राजनीतिक अभिलाषा पूरी हो गई है। तो ये विचार, ये संदेश बार बार आप पढ़ते हो, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, एक तो सब जीवात्मा के मित्र हैं, कोई उनका शत्रु नहीं है, और वो परम भगवान के भी मित्र हैं। और भगवान के मित्र इस दृष्टि से क्योंकि मन में एक ही भाव रहता है, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, और भगवान के आदेश का पालन करने के द्वारा कष्टों को भी सहना पड़े तो तैयार हो जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने माधवपुरी की कथा बोली थी, और माधवपुरी कथा में आप देखते हो कि भगवान ने उन्हें बड़ा कठिन आदेश दिया, जाओ जगतपुरी तक पैदल मेरे चंदन लाने के लिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कठिन कार्य मैं कैसे कर पाऊँगा, ये होना चाहिए हमारा भाव की। और आगे क्या कहते हैं, आप सबके प्रति समानता से व्यवहार करते हो, ये बहुत आवश्यक है, इक्वल टू ऑल, सबके साथ समानता का व्यवहार, ये होना चाहिए भक्त का भाव। ये नहीं कि जैसे हम कह रहे थे ये हमारा डल है उनका डल, ऐसे नहीं, ये मेरा ज़्यादा अच्छा मित्र है, ये मेरा कम अच्छा मित्र है, नहीं, ये मुझे सुविधा देता है मैं उसको सुविधा दूंगा, ऐसे भाव है। तो भक्त जो है भगवान का मित्र क्यों है, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन करने का विभाग प्रयास कर रहा है, वो है भक्त। भगवान की इच्छा के अनुसार हर कार्य करता है। भगवान की क्या इच्छा है कैसे समझ आती है, संतों के द्वारा। तो यहाँ रघुनाथ कह रहे हैं आप सबके प्रति समानता का भाव है, और आप देहात्मा बुद्धि के ज्ञान से मुक्त हो। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी में क्या अंतर, भौतिकवादी ये सोचता है ये ध्येय मेरा असली स्वरूप है, और ध्येय को संतुष्ट करना जीवन का लक्ष्य है, और इसलिए सुबह से रात तक यही भय रहता है, यही प्रयास रहता है ध्येय को कैसे संतुष्ट किया जाए। जैसे आप सब जानते हो इस समय कोरोना वायरस से सबको डर लगा हुआ है, ये सच है ये झूठ, हाँ डर लगा है नहीं लगा, शायद आप लोगों को नहीं लगा, हाँ अच्छा, आप सारे विश्व की प्रजा से बात करो। कल रात को मैं प्रोग्राम देख कर रहा था 250 भक्तों के साथ जो अमेरिका में रहते हैं, वो अलग अलग घरों में, और वो कह रहे थे कि अमेरिका में भी लोग कहते हैं ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी कि एक साथ इतना भय लोगों के हृदय में, इतना भय है। तो भय क्यों है, क्योंकि सब शरीर को अपना असली रूप मान रहे हैं, और भय इसलिए है क्योंकि वायरस के प्रभाव से शरीर भी त्याग सकता है, उसका इलाज भी इतना आसान नहीं है, और अभी तक कोई दवाई नहीं निकली है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। तो लोगों के मन में भय है, यह है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण बुद्धि से शरीर से प्रेम रहता है, और सुबह से रात तक प्रयास रहता है क्या कि हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य में सफल हो। जीवन का लक्ष्य क्या है, खाओ पियो और जियो, आलो भूल गए, ये मंत्र है भौतिक जीवन का, खाओ पियो और जियो।
भविष्य का किसने देखा है, ये तो साधु लोग का प्रोपेगेंडा है। ये है अज्ञानता का मंत्र। तो अज्ञानता के कारण ध्येय को संतोष करना ही जीवन का लक्ष्य है। पर हमारे शास्त्रों में अनेक कथा पढ़ते हो जिनके द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि आप शरीर को कभी संतोष नहीं कर पाओगे। महाराज ययाति के पास 10,000 साल की सुविधा थी तो अंत में उन्होंने क्या कहा, आई वॉज लाइक अ लस्टी गोट। आप सुबारी मुनि की कथा पढ़ते हो भगवतम में, सुबारी मुनि बहुत ही ऊंची कोटि के योगी थे। पानी के नीचे जैसे सब मैरीन होती हैं, जो नाव पानी के नीचे आ जाती है, पानी के नीचे बैठकर सालों सालों से चिंतन कर रहे थे भगवान का। आप जानते हैं सब मैरीन क्या होता है, सब मैरीन नाव जो कि पानी से 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल नीचे तक जा सकती है। ये है आजकल की नई समय। इसी प्रकार के योगी भी होते हैं जो पानी के बहुत नीचे जा सकते हैं। तो सुबारी मुनि बिल्कुल योगिक शक्तियों के द्वारा पानी के नीचे चले गए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा 2 मछलियों को भोगविलास करते हुए, जिसके पश्चात वो जरा विचलित हो गए। वो यही सोचने लगे, हाँ बड़े आनंद का कार्य है। और उन्होंने अपनी चिंतन की सेवा छोड़ दी और उस शहर के राजा के महल में पहुँचे। राजा की 50 बेटियाँ थीं और राजा से सुबारी मुनि ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक बेटी से विवाह हो जाए मेरा। राजा ने देखा जंगली जैसा योगी है, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, इतना बदसूरत। तो उन्होंने कहा, मैं तो ज़बरदस्ती किसी शादी नहीं कर सकता, तुम खुद जाके देख लो, अगर क्योंकि किसी बेटी को आप पसंद आते हो तो कर लेना शादी। सब बेटियों ने देखा, देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, इतने मुसीबत व्यक्ति से हमने शादी नहीं करनी। तो ये थे योगी, योगी की शक्ति की आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो समझ गए सब लोग मुझे ठुकरा रहे हैं क्योंकि मैं जंगली जैसे दिख रहा हूँ, लंबे बाल, लंबे नाखून, लंबे। उन्होंने अपनी योगी की शक्तियों द्वारा खूबसूरत देह बना लिया, साथ में महल भी बना लिया। जब बहनों ने देखा, ओ वही सुबारी मुनि इतना खूबसूरत बन गया, तो बहनों में झगड़ा पैदा हो गया। क्यों, हर बहन कहने लगी, मैंने इसे पहले चुना था तो पहले मेरा हक है। दूसरी बहन कहती थी, नहीं नहीं तुम्हारे से पहले मैंने देखा था। इस प्रकार 50 बहनों का झगड़ा हो गया। सुबारी मुनि ने सोचा, ये ठीक नहीं है, झगड़ा हो रहा है, 50 बहनों से उसने शादी कर दी और सबसे 10-10 बेटे भी हुए। सुबारी मुनि ने देखा कि मैं कितना मूर्ख बन गया हूँ, मैं इतनी शांति के साथ भगवान का चिंतन कर रहा था, 2 मछलियों के द्वारा मैं विचलित हो गया और मैं सोचने लगा भोग विलास के आनंद की लीलाएं, उसके कारण मेरी भक्ति नष्ट हो गई। अब मैंने समय दुरुपयोग नहीं करना, मैं जा रहा हूँ जंगल में। सुबारी मुनि सब कुछ छोड़कर जंगल में गए, उनकी पत्नियाँ भी साथ में गई। तो जो जो व्यक्ति शरीर की चिंता देहात्मा बुद्धि से जुड़े हैं, वो सदा ये सोचते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के उपकारियों में कैसे जुड़े। पर हमारे शास्त्र में कहा गया है
जहर पी के देखने की कोई आवश्यकता नहीं जहर का क्या परिणाम होता है। आप सब जानते हो इंद्र तृप्ति का कार्य जहर पीने के बराबर है। एक प्रसिद्ध भक्त ने क्या कहा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं आनिया ज्ञानिया शूनिया पीछा। रविंद्रनाथ ठाकुर राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म पाए, मनुष्य जन्म तो मैंने प्राप्त कर लिया, पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो मैं जान बनकर जहर पी रहा था। तो जो व्यक्ति भगवान के शरण अगर नहीं होते वो जान बनकर क्या पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। पापा जी कहते थे आज के लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, उन्हें कहो जहर पी रहे हो खतरा है, कहते पीने दो। पापा जी एक उदाहरण देते थे, भक्ति सिद्धांत जी का उदाहरण था ये कि एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था टेरेस से, वो नीचे गिरने वाला था, किसी का सावधान नीचे गिर जाओगे। वो कहता है मुझे पतंग उड़ाने दो। तो आज लोगों की स्थिति ऐसे है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो देहात्म बुद्धि के ज्ञान से मुक्त हैं, इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, ओम ज्ञान त्रिवेणदास्य ज्ञानांजनाय। वहाँ जन्म हुआ था ज्ञानता में, गुरु साधु के सहयोग से यह ज्ञानता का भाव जो है वो निकला है। रघुनाथ जी के हमारे रघुनाथ क्या कह रहे हैं, सबके मित्र हो देहात्म बुद्धि के भाव से मुक्त हो। मैंने आपके प्रति बहुत अपमान किया है। अब आप देखिए इस अध्याय के कई श्लोकों में यही विचार रघुनाथ प्रकट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बड़ा गहरा शोक उनके हृदय में पहुंचा है कि मैंने इतने महान संत का अपमान कर लिया, मैंने इस निर्भर का अपमान किया है। तो अनेक श्लोकों द्वारा यही कह रहे हैं। तो वो यहाँ कहते हैं मैंने एक महान अपराध किया है, छोटा अपराध नहीं महान अपराध किया है। कैसे, आपकी बेइज्जती करके। उन्होंने क्या, संत की बेइज्जती की, तो वो अपमान महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी संत की बेइज्जती करते हो, हंसी उड़ाते हो या कुछ करते हो, नुकसान किसका है, जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हो या जो करता है। तो रघुनाथ स्पष्ट कह रहे हैं मैंने अपराध किया है आपकी बेइज्जती करके, आपको इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो करता है, जो व्यक्ति करता नहीं है उसको कोई चिंता की बात नहीं, और जो वैष्णव अपराध करता है उसको चिंता की बात है। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए थे, वाराणसी में एक ब्राह्मण के घर में ठहरे थे। ये जो ब्राह्मण था वो उसे सुनने में आता था कि जो मायावादी सन्यासी हैं दिन रात महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, और जब महाप्रभु वाराणसी आए तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर जो महाप्रभु के भक्त थे उन्होंने कहा हम सह नहीं सकते ये मायावादी सन्यासी आपकी कितनी निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि आप चलिए उनके आश्रम में, उनसे हराओ डिबेट में।
तो महाप्रभु को जब कहा गया कि ये मायावादी सन्यासी आपकी निंदा कर रहे हैं, उन्होंने परवाह नहीं किया। उन्होंने कहा आखिर मैं ही निंदा कर रहे हैं ना, करने दो। पर जो तपन मिश्र और चंद्रशेखर थे वो नहीं सह सके भगवान की निंदा हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति निंदा करता है किसी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की निंदा आप कर रहे हो वो निश्चिंत रहता है, मैं निंदा कर रहे हैं करने दो, निंदा करके खुश हैं करने दो, नो प्रॉब्लम। पर जो दूसरे भक्त हैं वो ये नहीं सह सकते कि वैष्णव की निंदा क्यों हो रही है। अगर कोई आपकी निंदा कर रहे सह लो, अगर वो दूसरों भक्तों की निंदा कर रहा है तो फिर सहना ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये ब्राह्मण ने सारे मायावादी सन्यासियों को निमंत्रण दिया था अपने घर में आने के लिए। तो ब्राह्मण आए महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए भी। महाप्रभु का नियम ये था किसी मायावादी के घर में नहीं जाना, किसी मायावादी से संपर्क नहीं रखना, किसी मायावादी से चर्चा नहीं करना। तो इस ब्राह्मण को पता था महाप्रभु कभी भी मायावादी के घर नहीं जाते। पर इस ब्राह्मण की बड़ी इच्छा थी कि जो निंदा हो रही है बार बार महाप्रभु की, वो रोका जाए, एक रूप से वो भी अपराध है। तो उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को कहा, मैं जानता हूँ कि आप मायावादियों के घर में नहीं जाते, पर ये एक खास स्थिति है, वो इतनी निंदा करते हैं आपकी कि हम सह नहीं सकते, तो आप आइए। महाप्रभु ने जब देखा कि उनके भक्तों की इतनी चिंता है क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं उनके प्रति, महाप्रभु के प्रति, तो फिर वो मान गए। और वो ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले गए। जब अपने घर ले गए महाप्रभु ने देखा कि ऊंचे मंच पर ये मायावादी सन्यासी बैठे हैं, और महाप्रभु ने अपनी विनम्रता पकड़ ली। जैसे महाप्रभु कहते हैं त्रिनाद भी सुनिचेना, अगर आप हरि के नाम में सफलता चाहते हो तो व्हाट इज नेसेसरी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज अ प्रिंसिपल वेपन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो महाप्रभु ने अपनी विनम्रता कैसे दिखाई, वो सीधा ऊपर नहीं गए बैठने मायावादी सन्यासियों के साथ, वो बैठे जहाँ कि लोग पांव धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले, और महाप्रभु वहाँ जाके बैठ गए। तो साथ में महाप्रभु अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट करना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे वो समझ जाए कि वो कौन है। उन्होंने अपने चेहरे से लाखों सूर्य की रोशनियाँ प्रकाश प्रकट किया। तो जब इन सन्यासियों ने देखा इतना प्रकाश इनके चेहरे से आ रहा है, तो वो समझ गए ये सन्यासी जो है साधारण सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी कौन है, स्वयं भगवान। तो प्रकाश सरस्वती उनके गुरु से वो नीचे आए और उनके हाथ को पकड़कर ऊपर ले गए और सब साथ में बैठे। महाप्रभु की निम्रता देखो, मायावादी सन्यासियों को जब उन सामने आए उन्होंने उनको प्रणाम किया। आप पढ़ते हो चैतन्य चतुर्विध में कि सनातन गोस्वामी की इच्छा नहीं थी नौकरी में रहे, उनके भाई रूप गोस्वामी नौकरी छोड़ चुके थे और सनातन एक महीने के लिए दफ्तर नहीं गए, घर में बैठकर भागवतम पढ़ रहे थे 30 ब्राह्मणों के साथ। राजा दुखी था, रूप गोस्वामी ने नौकरी त्याग दी थी, अब सनातन भी त्याग रहा था।
उसने अपने डॉक्टर को भेजा देखने के लिए क्या बीमारी है नाथ के साथ। डॉक्टर जब अंदर आया, वैद्य ने कहा ओ, वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास देखते हैं, 30 ब्राह्मण के साथ बैठकर भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। राजा ने सनातन को निमंत्रण दिया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा भाई निकम्मा निकला, तुम निराशित निकल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम राज्य को संभालो, मुझे उड़ीसा में जाना है वहाँ के राजा से युद्ध लड़ने के लिए। पर सनातन जब राजा के सामने आए, हालांकि राजा मुसलमान था, कर्मी था, सनातन ने उन्हें प्रणाम किया पहले। प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं कि यह भक्त व्यवहार हमेशा विनम्रता का भाव। और सनातन गोस्वामी उच्च कुल के सन थे, तो पर जब वो राजा के सामने आए उसको भी उन्होंने इज्जत दी, प्रणाम किया। तो ये विनम्रता का भाव प्रकट होना चाहिए हमारे आचरण में। तो यहाँ कहा जा रहा है सनातन ये रघुनाथ द्वारा, रघुनाथ के द्वारा, कि आप भौतिक ध्येय उसे मुक्त हो, और ये ज्ञान भौतिक इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है, और अगर मैंने आपका अपराध किया भी है इसे आपको कुछ अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आप हो आत्मज्ञानी संत। इसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से ये कह रहे हैं, यही भाव पिछले कई लोगों में प्रस्तुत किया है, और आगे ये कह रहे हैं आप जो भक्ति में फिक्स्ड हो विद डिटर्मिनेशन, ये कह रहे हैं महाराज रघुनाथ, ये आप जो हो भक्ति में दृढ़ होकर जुड़े हुए हो, तो आपका विचलित होने का प्रश्न नहीं। तो भगवान के जो भक्त हैं उन्हें दृढ़ होकर जुड़ना चाहिए। रूपक स्वामी ने हमें कई ग्रंथ दिए हैं, जिनमें दो ग्रंथों का अनुवाद प्रभु जी ने किया, उपदेशमृत और भक्ति रस अमृत सिंह। तो उपदेशमृत में क्या कहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या गुणों की आवश्यकता है, उत्साह निश्चय धैर्य सत्तर कर्म प्रबंधन संगति आगे सतोगते। अगर आप भगवान की भक्ति में उन आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या आवश्यक है, एक उत्साह, उत्साहित होना चाहिए। जब आप प्रचार में जाते हो उत्साहित होकर प्रचार करोगे तो ज़्यादा असर आएगा, ऐसे खड़े होकर करोगे उत्साह करके बिना तो इतना यदि सब तो पाप नहीं होगी। निश्चय डिटर्मिनेशन ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं इस विषय पर, कौन जानता है वो कौन सा उदाहरण है, स्पैरो हु लॉस्ट हर एग्स इन द ओशन, एक पक्षी थी जिसके बच्चे गिर गए सागर में, पक्षी ने कहा मेरे बच्चों को लौटा दो, सागर ने कहा तुम्हारे बच्चे नहीं वापस नहीं मिलेंगे, नहीं दोगे वापस तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी अपने मुंह से। सागर हंसने लगा, देखो छोटा मुंह बड़ी बड़ी बात, वो ये पक्षी अपने छोटे मुंह से मुझे सुखाएगी, मुश्किल से 3-4 बूंद पानी आता है एक। तो उसमें बड़ा यह दृढ़ भाव था, ठीक है मैं शुरू करती हूँ तुम्हें सुखाना, और ये सूचना कहाँ तक पहुँच गई, गरुदा के पास। गरुदा ने आकर धमकी दी और फिर उन्हें उनके बच्चे प्राप्त हुए।
तो प्रभा जी इस श्लोक के तात्पर्य में गीता में कहते हैं, प्रभा जी ने इस उदाहरण की चर्चा कई बार की है कि हम जब भक्ति में जुड़ते हैं दृढ़ होकर जुड़ना चाहिए। यानी हम भक्ति में जुड़े हैं और कोई कठिनाई हो हम कहते हैं चलो हम तो घर जा रहे हैं, फिर भक्ति में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए बार बार आप पढ़ते हो दृढ़ होना चाहिए तो फिर भक्ति में सफल होगे। तो प्रश्न ये उठता है, तो ये डिटर्मिनेशन जो इतना आवश्यक है ये गुण कैसे प्राप्त हो? और ये गुण प्राप्त हो सकता है रूप गोस्वामी के शब्दों में भजन क्रिया का पालन करो। भजन क्रिया का मतलब है नियमों का पालन, साधना का पालन। जब आप इन चीज़ों का पालन करो जब देर धोकर आप सेवा कर सकते हो। अगर हम आलसी रहें श्रमण कितना बल नहीं दें तो फिर सोचना कि जिसमें डिटर्मिनेशन प्राप्त होगी ये गलत है, ये असंभव है। तो चाहे भक्ति का कार्य हो किसी विषय में यूनिक डिटर्मिनेशन है कि नहीं। आप लोगों को याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे और कॉलेज में दाखिला की तैयारी कर रहे थे तो आपको दृढ़ होकर पढ़ाई करनी पड़ी है कि नहीं। खास करके अगर आपको IIT वगैरह में जाना है तो उसी प्रकार हमें दृढ़ होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। हर स्थिति में सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल अगर सुविधा जो हमें चाहिए वो हो तो ही हम सेवा करेंगे, नहीं। भगवान कहते हैं चेतन प्रभु न धनम न जनम न सुंदरम काविता जगदीश कम है, अम्मा जन्मने जन्मेश्वरे अवसर भक्त। तो यहाँ कहा जा रहा है जब भारत के महाराज रघुवीर के द्वारा आप दृढ़ होकर जुड़े हो भक्ति के रास्ते में और मैंने अपराध कर लिया है, शाप शुद्ध भक्तों भगवान के आपके प्रति मैंने अपराध किया है। फिर से देखो एक श्लोक में 3 दफ़ा महाराज रघुना स्वीकार करें मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया। यहाँ फिर से कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया है और मुझे इन अपराधों का बहुत डर है। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि मैंने ये अपराध किया है मेरी जो भक्ति है नष्ट हो जाएगी। तो इसे क्या संदेश मिल रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए और अपराधों से बचना चाहिए। और अपराध समझो कभी कर भी लो तो हमें उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अगर आपको दूसरे व्यक्ति माफ़ नहीं करे तो आपने अपना कर्तव्य तो कर दिया है। तो हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं जैसे अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज ने 1 साल के लिए व्रत रखा था, व्रत रखा था और कार्तिक के महीने में व्रत छोड़ने ही वाले थे जब दुर्वासा मुनि उनके महल में पहुंचे। तो अमरीश ने निमंत्रण दिया मैं भी व्रत तोड़ने वाला हूँ, आइए प्रसाद स्वीकार कीजिए। दुर्वासा ने कहा मैं स्नान दोपहर का स्नान करके आता हूँ। जो वो स्नान करने गए भगवान का चिंतन कर रहे थे पानी में ही सो गए, भूल गए कि अमरीश महाराज उनकी राह देख रहे हैं। अमरीश महाराज के सामने चिंता क्या थी, व्रत समाप्त करने का समय बीत रहा था, बीतने वाला था और अमरीश महाराज चाहते नहीं थे व्रत को ठीक समय नहीं तोड़ा जाए। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा क्या करना चाहिए।
ब्राह्मणों ने कहा जल पी लो, जल पीना एक रूप से अपराध है, एक रूप से उसके द्वारा वर टूट जाता है, दूसरी तरफ से नहीं भी टूटता। तो जब दुर्वासा मुनि वहाँ पहुँचे वो समझ गए अमरीश ने मेरी राह देखे बिना भोज अपना वर तोड़ दिया, मुझे अभी इसे सबक सिखाने दो। उसने अपने सीके से राक्षस पैदा कर दिया। अब अमरीश महाराज वो बिल्कुल स्थिर थे, बेचैन शांत, सभी मना कृष्ण पदारा गुंद हो। वहाँ सुदर्शन चक्र से नहीं वो राक्षस से डरे नहीं, भगवान ने अपने भक्त के लिए क्या किया। भगवान को पता था कि मेरा भक्त अमरीश 24 घंटे जुड़ा रहता है मेरी सेवा में, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने ऋषि में आकर अमरीश को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो गए शिव जी के पास यही संदेश लेकर। शिव जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अमरीश तो भगवान का इतना उत्तम कोटि का भक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो गए परम भगवान के पास। फिर परम भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? हाँ उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा भक्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त इतने प्रिय हैं कि वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं सदा उनके हृदय में रहता हूँ। दुर्वासा को आना पड़ा किसके पास? अमरीश के चरण कमलों में। तो इस कथा आप सबने ये कथा हजारों बार सुनी होगी, आपको क्या शिक्षा मिलती है? भगवान के जो भक्त हैं वो अत्यंत प्रिय है। शिव जी ब्रह्मा जी भगवान ने भी स्वयं इनकार कर दिया हम कुछ नहीं कर सकते, पर जब भक्त की कृपा हुई तो उन्हें माफ कर दिया गया। आप सच्ची माता का भी उदाहरण जानते हो, एक भक्त थे जिनका नाम था देवनंदन पंडित। देवनंदन पंडित बड़े विद्वान थे, उन्होंने भागवतम को लगभग कंठस्थ किया हुआ था, पर उनमें एक गुण एक कमजोरी थी, उन्हें जो भागवत का जो असली उपदेश है भक्ति योग उस विषय में लगभग बहुत कम ज्ञान था। जैसे कई लोग भागवत कथा करते हैं, कहीं उन्हें गीता को कंठस्थ किया हुआ है, कहीं उन्हें भागवतम को कंठस्थ किया हुआ है, पर कृष्ण अति भगवान स्वयं स्वीकार नहीं करते। देवनंद पंडित संस्कृत के बड़े विद्वान थे और भगवतम में पूरा विश्वास, भगवतम को पढ़ा था, तो भगवतम की जो असली संदेश है उसका उनके पास ज्ञान नहीं था। तो एक दिन श्रीवास जा रहे थे उनके घर के आगे से, उन्होंने अंदर देखा भागवतम की रचना हो रही है। श्रीवास तो खुद शुद्ध भक्त थे, समझ गए भागवतम की रक्षा हो रही है, चर्चा हो रही है, वो अंदर गए। जब उन्होंने भागवतम के मधुर श्लोकों का उच्चारण सुना तो उनके मन में भक्ति भाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि आंसू बहने लगे और रोना शुरू हो गया। कई बार लोग नकली रोते हैं कहीं का असली। तो जो दूसरे विद्यार्थी थे
देवनंद पंडित को सुन रहे थे, दूसरे विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कौन है ये पागल आदमी जो अंदर आया था, रो रहा है और आंसू कर, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, जाओ जाओ हम हमारे टीचर को सुन नहीं सकते, बाहर फेंक दिया। और श्रीवास और देवनंद पंडित, उनके पास पूरा ज्ञान था भगवत का, और जो भगवत का असली संदेश है वो कमी थी। उनका क्या अपराध था? उन्होंने देखा उनके विद्यार्थी श्रीवास की बेइज्जती कर रहे हैं, वो चुप रहे। और जब महाप्रभु को ये पता लगा, वो अत्यंत क्रोधित हुए देवनंद पंडित के ऊपर। उन्होंने अपराध किया, क्या अपराध? श्रीवास जैसे उत्तम कोटि के भक्त को उठाकर भार ले गए। श्रीवास ने कुछ भी नहीं कहा और देवनंद पंडित ने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु ने देवनंद पंडित को कहा, तुम पापी हो। फिर अंत में जाकर देवनंद पंडित ने माफ़ी मांगी। तो कई उदाहरण हैं जिनसे आप देखते हो कि वैष्णव अपराध का भयंकर परिणाम होता है। तो यहाँ महाराज रघुनाथ कह रहे हैं कि मैंने बड़ा महान अपराध किया है, वैष्णव के चरण कमलों में अपराध किया है। तो प्रयास रहना चाहिए हम अपराधों से बचे। अच्छा, जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मांड ब्रह्म देखो ना भगवान जी, गुरु कृष्ण के पापा भक्ति लता भी अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ये ज्ञान प्राप्त होता क्या कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज का मतलब ये ज्ञान जीवन का लक्ष्य क्या है। और जैसे अभी आप किताब बांटते हो किसी को, तो एक रूप से आप उसके हृदय में भक्ति का बीज बो रहे हो, क्योंकि ये इस ज्ञान का लाभ कभी ना कभी होगा। और जब आप इस बीज को पानी पिलाते हो तो भक्ति में उत्साह बढ़ता है। तो आगे महाप्रभु ने ये भी कहा, अगर आप इस सुंदर बगीचे में पागल हाथी को आने दोगे तो क्या होगा? पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। तो यही भाव आप पढ़ते हो बार बार, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। पर कई बार हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वैष्णव अपराध से। और वैष्णव अपराध से ये मतलब नहीं, मान लो आप मंदिर में हो और कुछ कमी है आपके व्यवहार में और अधिकारी को उनको बोलने की आवश्यकता है, और आप सोच रहे उसको मैं बोलूँगा तो मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, नहीं। वैष्णव अपराध अधिकतर उसका अर्थ है ईर्ष्या द्वेष निंदा की भावना में आकर हम अपराध करें। और हमारा प्रयास रहना चाहिए हम वैष्णव अपराध से बचें। और अगर अपराध हो भी जाए तो उन भक्तों के सामने प्रणाम करो जिनके प्रति वैष्णव अपराध हुआ है। अब अगर आप ये सोचते हो दूसरे व्यक्ति अगर नहीं स्वीकार करे तो ये फिर उसका दोष है। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और आप ये लगभग रोज ही सुनते हो, हर क्लास में सुनते हो, नाल पिसू नीचे ना वो वैष्णव अपराध। पर अफसोस की बात है, बार बार सुनने के कारण भी हम गलती कर देते हैं। तो महाराज रघुनाथ असली भक्त थे, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है, वो जद भारत के शरणागत हो गए, जद भारत से ज्ञान की भीख मांगी, बड़े ध्यान से जद भारत द्वारा जो संदेश मिला उसको स्वीकार किया। तो हमारे में भी वही उत्साह होना चाहिए जो
जब महाराज होने में था उत्साह कि हमें असली ज्ञान प्राप्त हो, फिर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपराधों से बचे और ध्यान पूर्वक जाप करें, और अगर प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने चैतन्य भागवत के 13वें अध्याय और 22वें अध्याय के श्लोकों का वर्णन किया है। ये 5 श्लोक हैं, ये 5 श्लोकों का अर्थ एक ही है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो भगवद गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। कई बार जब भक्त हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं वो कहते हैं आपके ग्रंथों में सेम पॉइंट गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये बात तो सच है, ये नहीं कि आज एक अलग लीला सुन रहे हो कल अलग लीला सुनोगे। बार बार आप सुनते हो हरि नाम की महिमा, दशम अपराधों से मुक्ति, वैष्णव अपराध से मुक्ति, साधु संघ की आवश्यकता, जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो तो सेम है। तो कई बार वो लगता है कुछ नया सुनने में नहीं आता, राधा को जाएंगे तो वहाँ नई लीला सुनने में नहीं आता। तो पर प्रभु जी कहते हैं बार बार सुनोगे तो ही आपके हृदय में बैठेगा, एक बार दो बार सुनने से नहीं बैठेगा। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, रोज गीता को पढ़ना चाहिए, बार बार सुनोगे तो भी थकोगे नहीं। हरि नाम का उच्चारण, अब दिनरात हरि नाम का उच्चारण करते हो, आपको कभी ऐसे लगता है कि हरि नाम उच्चारण बहुत बार हो चुका है, ये भी बासी हो गया है, हमें कोई ताजा नाम मन सचे नहीं। नामा चिंतामणि कृष्ण चेतन रास विग्रह पूर्ण शुद्ध द्वितीय मुक्तो दिनाथ व नाम नाम नाम। भगवान के नाम अभिन्न है, उसी प्रकार भगवान के ग्रंथ भी अभिन्न है। भगवतम क्या है? भगवान की वाणी। गीता क्या है? भगवान की वाणी। देखो जितनी बार सुनोगे पढ़ोगे उतना ही कम है। कभी कभी मुझे भक्त मिलते हैं जो कहते हैं हम दूसरे चारियों के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हो, और प्रभुपाद जी के शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं पोस्ट यू अंडरस्टैंड माई बुक, पहले आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, उनको पहले समझो, और जब समझ लोगे पढ़ लोगे कई बार फिर आप ये विचार कर सकते हो हम दूसरे ग्रंथों को पढ़। पर इन ग्रंथों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप जाकर असली संदेश को समझोगे। तो संक्षेप में महाराज रघुनाथ हम सबको सूचना दे रहे हैं कि सूचना क्या है, अपराधों से हमें बचना है। अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान अवश्य की सफलता भी देंगे, और बार बार पढ़ोगे बार बार ज्ञान सुनोगे तो फिर अपराधों से भी बच पाओगे, और अगर प्रयास करेंगे तो कृष्ण को देखनी है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? यस, यस, जल्दी जल्दी। I'm sorry, can you repeat it? उसको हम अपराध खिलाते हैं। मान लो मंदिर के अधिकारी हो, आप देख रहे हो कुछ कमी, तो उसको आप सुधारो, वो फिर वैष्णव अपराध नहीं बनता। मान लो कोई व्यक्ति
भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, और उसको अब डांट रहे, गलत है वो, कहीं तुम वैष्णव अपराध कर रहे हो। वो वैष्णव अपराध नहीं मानता, उल्टा। इनका प्रश्न ये है कि अगर जब ज़्यादा निकट के संबंध हो जाते हैं किसी भक्त के साथ, तो फिर उसके प्रति हमारी दुर्भावना पैदा हो जाती है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, होना नहीं चाहिए। कई बार भक्त कहते हैं, हम जब नए नए आए थे, हमें लगा कि सारे भक्त वैकुंठ से आए हैं, अब उनके साथ उठना बैठना होता है, तो हमें लगता है कि वो तो दिल्ली के हैं, वैकुंठ के हैं। तो हम जो ज़्यादा नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, पहले हम सब भक्तों के गुणों को देखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, पहले दूसरों के गुणों को देखो, फिर अब गुणों को देखो। पर ये नहीं कि अगर मान लो किसी में कुछ कमी है, आप सुनाओ ये कमी है, वो अपराध है। ये वो अपराध नहीं करना। क्वेश्चन या ईर्ष्या द्वेष जब हम छोड़ने के सोचते हैं, छोड़ना नहीं, जब सोचते हैं कि छोड़ना चाहिए ईर्ष्या द्वेष, तो कभी से भगवान हमें हेल्प करना शुरू कर देते हैं या? जितनी मात्रा में हम भगवान के शरण लोगे, उतनी मात्रा में वो हमारा सहयोग देंगे। तो अगर आज से आप अपने कमियों को छोड़ोगे, तो आज से आपको क्रेडिट मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते छः महीने बाद मैंने ईश्वर द्वेष जरूर त्याग देना है, छः महीने की छूट दो मुझे। भगवान खुद ही कहते हैं ना, ये सब हम प्रभु ने दे, ऑल ऑफ देम एज ए सरेंडर टू मी, आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। ओके Yeah. This one is speaking a little louder. Yeah. Thank you for the class and this इसका अपराध महान संतों के चरणों का अपराध, अपराध मतलब वो चरण वर्ण में आया है। एंड टुडेज वर्स बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आर्गुमेंट भी हो गया, वो भी अपराध हो गया, लेकिन चरणों में नहीं, ये अक्सर कहा जाता है महाराज। नहीं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, यहाँ चरणों का तो है ही नहीं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ चरणों का कहाँ है। ये अक्सर कहा जाता है कि हम भगवान वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहते, मतलब निंदा करना ये भी चरणों में अपराध ही है, जो उनके चरणों में अपराध, मतलब कि वैष्णव चरण भी इंक्लूडेड है, होल बॉडी से इंक्लूडेड है। मतलब कि आप यू डिस्क्राइबिंग अ वैष्णव, इज हिज लोटस फीट, द वैष्णव बॉडी, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल। ओके, क्योंकि वो समझ पाए मैंने गलती कर ली है, समझ लिया मैंने गलती की है, समय व्यस्त वेस्ट हो गया है, अब मुझे वापस जुड़ने दो विद डिटर्मिनेशन।
Yes. गुरु महाराज आप लेक्चर में भी बता रहे थे कि मतलब आजकल लोग समझते नहीं है, वो गलती भी कर रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी में लोग चार नियमों को तोड़ते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं गलत, पर उनको लगता ही नहीं ये गलत है। और आजकल जैसे जो लीडिंग स्पीकर्स हैं वो भी ये नहीं बोलते कि ये सब गलत है, ये नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सो हमारा जैसे मतलब उनको प्लीज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, उनको लगता है हम सही कर रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं है कि कोई सुनता नहीं है। अगर कोई सुनता नहीं होगा तो ये कमरा खाली रहता। आप देखते हो मंदिर में भक्त हैं, लाखों भक्त हैं संस्था के, तो लोग सुन रहे हैं, पर जितनी मात्रा में जुड़ना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं जुड़ रहे। तो ये कहना कि कलयुग कोई नहीं सुनता हमारे संदेश को, वो भी गलत है। जब प्रोग्राम होते हैं हजारों लोग आते हैं, जितनी मात्रा में सुनना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं सुन पाते। ठीक है, आप लोग कैसे कन्विंस हुए? आप लोग भी जब पहले भौतिक जीवन में थे, किसी ने आकर प्रचार किया, ग्रंथ दिया, मंदिर में निमंत्रण दिया, संडे फीस में आए, आस्ते आस्ते आपकी भी भक्ति बढ़ी है कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ प्रूवन प्रोसेस जो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो अगर हम प्रचार करते जाएं तो लोग जरूर जुड़ेंगे। वायरस का थोड़ा इफेक्ट तो रहेगा, और प्रचार का भी इफेक्ट रहेगा। आजकल भक्त कह रहे हैं ऑनलाइन इतने कोर्सेज चल रहे हैं, भी समझ नहीं आता कौन सा कोर्स लिया जाए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कलयुग में कोई भक्त नहीं बनेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बनेंगे भक्त। पर प्रभुपाद जी ने जैसे एक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डायमंड के हजारों ग्राहक तो नहीं होते, असली डायमंड के कुछ गिने चुने ग्राहक होते हैं। प्रभुपाद ने कहा, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक अ रियल डायमंड, यू वोंट गेट थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। जैसे कई वो लोग कहते हैं ना, आपके प्रोग्राम में तो हम इतने बड़े बड़े लोग संख्या नहीं देखते, वो स्वामी जी वो महात्मा के तो लेक्चर में हजारों लोग आते हैं। हम कहते हैं सच है, आते हैं, क्योंकि हम लोग असली सोना बेच रहे हैं और वो नकली हीरा बेच रहे हैं। नकली हीरा के ज़्यादा ग्राहक होते हैं। वो यहाँ रह बैठना चाहिए प्रश्न। महाराज आपने बताया कि अगर किसी भक्त के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना है तो अपराध लगता है, तो अगर किसी भक्त के प्रति क्रोध की भावना है तो भी भाव अगर तो कारण है क्रोध का, फिर अलग बात है। जैसे मान लो किसी ने ऐसी गलती की कि नुकसान हो गया मंदिर का बहुत बड़ा, फिर आप क्रोधित हो सकते, कारण है। अगर हम क्रोधित हैं केवल क्योंकि भक्ति में वो मेरे से आगे बढ़ गया है, मुझे उसका नाम खराब करना चाहिए, वो फिर अपराध है। ऐसे तो कई बार लोग भक्त गलती करते हैं तो उनको डांटना भी पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु जब गुलीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, जो भक्त ज़्यादा अच्छी तरह सफाई कर रहे थे उन्हें वो जाकर कहते थे, जो ज़्यादा गंद इकट्ठा नहीं करें उनको शिक्षा दो। तो ये अगर आपको लगे ये हम ठीक नहीं कर रहे और कोई दिया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये वो अपराध नहीं है।
तो अगर हम आप उपस्थित हैं मतलब किसी और की निंदा कर रहे हैं, मेरी निंदा नहीं कर रहे, किसी और वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, तो हमें उसको मना करना चाहिए, नहीं आप अच्छा मत करिए, आप नहीं बोलिए। तो वो कह रहे हैं कि वो मुझे बुरा बुरा कहने लगे कि नहीं आपकी क्या मतलब है, या फिर कहे कि आपको क्यों मिर्ची लग रही है, तो व्यक्ति में क्या करना चाहिए। और दूसरा मैंने ये भी सुना है कि जहाँ पे वैष्णव निंदा हो वहाँ से चले जाना चाहिए। आपको उसे कहना चाहिए प्रभु जी मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बचना चाहते तो आप उन्हें कह सकते हो कि आप उस वैश्य की निंदा कर रहा है, बिल्कुल निर्दोष है, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और हम जब साथ देते हैं सुनने में दूसरे की निंदा, हम ही भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने ईर्षा द्वेष की बात करनी है दीवारों से थोड़ी करेगा कोई, वही साथी चाहिए। तो हम जब साथी बन जाते हैं तो आप भी अपराध का भागीदार बन जाते हो। तो इसलिए अगर कोई निंदा कर रहा है तो आप कह दो कि मैं इसमें नहीं जुड़ना चाहता। ओके जैसे आपने मतलब मेरे ये सुना है कि जैसे कहते हैं कि भक्त जो है अगर भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भक्त क्षमा कर देते हैं, पर भक्तों की चरण धूली माफ नहीं करती है, इसका मतलब कैसे समझे? अगर आप आपका कहना है भक्त माफ कर देंगे पर उनकी चरण धूली नहीं करेंगे, नहीं भक्त अगर माफ करेंगे चरण धूले भी कर देगा, ये थोड़ी आप कह सकते हो, ये थोड़ी आप कह सकते हो। हाँ भक्त माफ कर रहे हैं, इज वन एंड द सेम थिंग। गुरुवार जैसे आपने बताया अपराध के बारे में, तो कई बार हम जिन भक्त के प्रति हमने अपराध किया है हम उनसे माफी भी मांग लेते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना अंदर से मतलब कुछ ना कुछ वो है, मेरी फीलिंग ना मतलब पूरा पॉजिटिव चीजें नहीं है, कुछ नेगेटिव। आपके मन में या दूसरे व्यक्ति के मन में? उनका तो नहीं है, मन में नेगेटिविटी अभी भी है, तो मतलब उससे कैसे अच्छी तरह पूरी तरह से बाहर आए? हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक दो महीने एक दो साल में हम शुद्ध भक्त बन जाएं, मतलब कि हर चीज़ें, तो हम गलती शुरू में अगर करेंगे तो हमें इस गलती से बचने का प्रयास करना चाहिए। और भक्तों के संग में रहोगे तो जो सीनियर डिप्टीज हैं उनसे आप सहयोग भी ले सकते हो कि उस व्यक्ति ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, किसका दोष है। जैसे घर में आसक्ति होता है अपने बच्चे से, वैसे भक्तों के प्रति आसक्ति कैसे होगा? सिद्धांत को समझोगे तो भक्तों के प्रति भगवान का पीला देने में क्या कहा, वही आसक्ति जो भौतिकवादियों के प्रति है वही आसक्ति हमें संतों के प्रति जोड़ देना चाहिए। तो संतों के प्रति आसक्ति रोकने के जोड़ने का मतलब क्या, शिक्षा का पालन करना, संत जो शिक्षा देते हैं उसका पालन करना, तो प्रयास करने से हो जाता है। प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं ही लिव्स फॉरएवर बाय डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोअर लिव्स विद हिम, जो गुरु है अपनी वाणी द्वारा जीवित रहता है और शिष्य वाणी का पालन करके उसके साथ हमेशा रहता है। तो भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ाना चाहिए और भौतिक उपाधियों के प्रति आसक्ति घटाना चाहिए। हरे कृष्ण, देखते हैं कि पंडित में अधिकरण को भागना चाहते हैं, अधिकरण को अलग अलग मंदिर में जाते हैं, तो जल्दी वो मंदिर की जो भी समस्या होती है अब हम उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते और बहुत सारी बातों को बता देते हैं, कभी मजबूरन सुनवाई पड़ते हैं मंदिर में, कभी कभी होता है
सीनियर भक्त हैं वो कुछ इधर उधर की बातें उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, उनको अगर बुला बुला लगेगा उनको मन फील होगा, ऐसे समय में हम लोग क्या उसका अपराध करता है। आप दूसरे मंदिर में जाते हो वहाँ समस्या है उसमें, इनका प्रश्न है कोई बड़े सीनियर डिवोटी बड़े सम्मानित वो उल्टी बात बोल रहे हैं किसी भक्त के बारे में तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते, इसमें क्या करें? अगर कोई सीनियर भक्त किसी और वैष्णव की निंदा कर रहा है आपके सामने तो अफसोस की बात है, वो सीनियर भक्त सीनियरिटी का आचरण नहीं दे रहा। व्यक्ति सीनियर बनता है आचरण के द्वारा, सिर्फ यही सोचना हम 20 साल से 30 साल से भक्त हैं तो हम जो भी करें ठीक है, वो ठीक नहीं है। आचरण हमारा ठीक होना चाहिए और चैतन्य चैतन्यता में इस विषय पर बल दिया जाता है। ऐसे में क्या कर, अगर वो कर रहे हैं तो उनको मना नहीं कर सकते? आप उनको कह सकते हो अगर आप बुरा नहीं मानो मैं यहाँ से चल सकता हूँ। वो पूछेंगे क्यों, अब कहना मैं वैष्णव निंदा सुनना नहीं चाहता। वैष्णव निंदा करना और सुनना दोनों ही गलत है। कोई जबरदस्ती आपको बांध कर थोड़ी कहेगा नहीं तो सुनना ही पड़ेगा। एक बार टेम्पल हॉल में कमेंट्स को लेकर के बहुत सारे सीनियर डिवोटी में कुछ हो जाता है भक्तों के सामने तो ये बिल्कुल गलत है। अगर सीनियर भक्तों का शाउटिंग मैच क्या कहते हैं अगर सीनियर भक्त एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं सबके सामने, ये ठीक नहीं है, दोनों तरफ से ठीक नहीं है। जोर से यहाँ सुनने में तकलीफ होती है। You can hear the question and summarize it for me. Okay. महाराज कोई नया भक्त आता है वो हमसे बाद में आया नया है और उसको कोई ऊंची पोस्ट दे दी जाती है, पोजीशन दे दी जाती है और उस पोस्ट के रिगार्डिंग हमें उसे रिस्पेक्ट करना पड़ता है बट अंदर से वो रिस्पेक्ट जागृत नहीं हो पाती है तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर मान लो कोई भक्त आपके आने के बाद जुड़ा है उसको जिम्मेदारी दे दी या डिपार्टमेंट हेड बना दिया या कोई, तो हमें यही सोचना चाहिए हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं होना चाहिए था पर जो मंदिर के अधिकारी हैं उनके विचार से वो व्यक्ति तैयार है और जिम्मेदारी उठाने में, तो अगर ये भगवान की इच्छा है हमें स्वीकार करने दो। क्योंकि हर चीज़ का निर्णय मंदिर के हर भक्त के साथ थोड़ी किया जाएगा। मान लो आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो हम एक सर्वे करेंगे 150 ब्रह्मचारी के साथ, उसको ये पद दें या नहीं दें, वैसे तो मंदिर नहीं चल सके। तो हमें जरा विश्वास रखना चाहिए कि जो अधिकारी जिनके पास जिम्मेदारी सौंपी हुई है दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए, वो निर्णय उन्होंने ठीक ही किया होगा। अगर हमारे हृदय में थोड़ा ऐसा भाव है इस व्यक्ति को ये नहीं मिलना चाहिए था पद और इसलिए मैं साथ नहीं दूंगा, वो ठीक विचार नहीं है। जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे हमें पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, ये नहीं कि हर निर्णय हर भक्त के साथ पूछा जाएगा।
फिर तो कभी कुछ चलेगा ही नहीं। हमें विश्वास रखना चाहिए जो अधिकारी हैं उनके डिसीजन में, और मान लो उन्होंने गलत निर्णय लिया, हम ये नहीं कहते कृष्ण भक्ति का मैनेजमेंट 100% राइट है हमेशा, वहाँ सिद्धांत 100% राइट है, वहाँ प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जो ज्ञान है वो 100% ठीक है, पर मैनेजमेंट में कभी कभी निर्णय हम ले लेते हैं जो बाद में लगता है कि शायद गलत निर्णय था। वो ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है, ये नहीं सोचना चाहिए। तो हम ये नहीं कहते हर निर्णय जो हमने लिया है 100% राइट होगा, पर श्रद्धा से ईमानदारी से अधिकारी प्रयास करते हैं ठीक निर्णय लेने के लिए। इज दैट क्लियर? यस। गुरु महाराज, कई बार जब हम मैनेजमेंट में होते हैं तो कुछ कई एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या हमें इस चीज की चिंता करनी चाहिए हमारे बारे में कोई गलत सोच रहा है, तो क्या इस चीज का टेंशन लेना चाहिए या हमें अपनी सेवा करते रहना चाहिए? आप अपनी सेवा ईमानदारी से करते रहो, ये चिंता मत करो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप यही सोचते रहोगे हमारे बारे में क्या सोचते हैं तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। अपनी तरह से ट्राई करो ऑनेस्टली, और आप वैष्णो सीनियर भक्तों के यहाँ सहयोग ले सकते हो, उसे पूछ लो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने कहा पहले कदम में गुरु की सेवा करो, दूसरे स्टेप में दीक्षा लो, तीसरे स्टेप में आगे पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आप जब सीनियर भक्तों के साथ रहते हो उनसे पूछिए आपको क्या कमी दिखती है मेरे आचरण में, क्या कमी इसको जो सुधारना चाहिए, ये पूछते रहना चाहिए। हमारी समझ से क्या है, हम केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं, कोई कमी नहीं। तो स्पष्ट बोलो क्या कमी है, क्या कमी से मुझे सुधारना चाहिए। ओके, एनी मोर? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। नहीं, अगर मंदिर का अधिकारी कहे तो कुछ भी इसमें बोल नहीं सकते तो वो भी एक रूप से गलत है। अगर मानो किसी ने कोई निर्णय लिया है और आपको लगता है इसमें ये गलती कमजोरी रह गई है, तो आप अपनी तरफ से जाकर विनम्रता से बोल सकते हो, और जब भी वो नहीं बदले तो आप भगवान पर छोड़ दो। आप ये कह सकते हो माय साइड आई ट्राई माय बेस्ट, नहीं सुनना चाहते तो हम क्या करें। तो फिर अगर वो गलत निकल आएगा तो उस दूसरे भक्त को उसको सारा दोष पहुंचेगा, आपको उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। यस। We may have good relationships with some Vaishnavas, senior, equals, whatever, but between them they may not have a good relationship. So then how do we maintain our relationship with them and at the same time ensure that we don't hear anything offensive about it? Well, certain amount of negative hearing will be there. हम ये नहीं कह सकते मंदिर का एकदम ऐसा वातावरण बन जाएगा कि सब शुद्ध भक्त का व्यवहार करेंगे, थोड़ी बहुत कमियां तो आपको दिखेंगी। मैनेजमेंट में कई बार कोई डिसीजन गलत भी निकल सकता है, वी जस्ट हैव टू बी टॉलरेंट। हम ये नहीं कहते एवरी मैनेजमेंट डिसीजन वी मेक इज 100% राइट, बिकॉज इट इज नॉट 100% राइट। तो
आपको ये टॉलरेट करना चाहिए। उत्साह जब भूख लगती है और प्रसाद का समय आ रहा है तो आप उत्साहित होते हो प्रसाद खाने के लिए या नहीं, तो उसी प्रकार उत्साहित होना मतलब हम बड़े उत्साह से भगवान की सेवा कर करना चाहते हैं। इस समय हमारा उत्साह रहता है इंद्रिया तृप्ति के कार्यों के प्रति, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वही उत्साह हमें अर्पण करना चाहिए भगवान की सेवा में। ओके यस हम यही तो नहीं कहते कि मैनेजमेंट का हर निर्णय हमारा 100% ठीक होगा, और हम ये भी नहीं कहते कि आप सब 6 महीने में शुद्ध भक्त बन जाओगे। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते जाए जाप के बल पर जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। It's a question from Mauritius Murali, Vishwanali Prabhu. Mauritius. Okay. You say, Hare Krishna Guru Maharaj, my obeisances. When someone offends you, then it is natural to react. In this given situation, how do we avoid? Let's say somebody offends you, you don't have to necessarily do a tit for tat. If you do a tit for tat, then the atmosphere in the environment becomes more complicated. But suppose somebody offends you and you tolerate it, then automatically there will be peace. We don't have to do tit for tat and everything. Okay, we just take one or two more questions. Yes, just a question, Poochani Avila. हमारी कमी ये है कि हमारी कृष्णा कथा में रुचि बहुत कम है और प्रजापति में रुचि ज़्यादा है, क्योंकि हमारी प्रजापा में रुचि ज़्यादा है। हम तो खुश होते हैं जब किसी की आचरण में कुछ गलती है हम सुने, पर भक्ति के विधियों के पालन से कृष्ण कथा के बजाय प्रजापा में रुचि है। भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो फिर कृष्ण कथा में रुचि बढ़ेगी। असली समस्या एक असली कारण यह है, कृष्ण कथा में हमारी बहुत कम रुचि है। कृष्ण कथा जब शुरू होती है हमें नींद आ जाती है, कृष्ण कथा तो हमें कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी है। इधर राइट, उसमें रुचि बढ़ाओगे तो खुद ही खुद प्रजापति में रुचि घटेगी। पर अगर हम सोचते हैं हमें प्रजापति में भी रुचि चाहिए और कृष्ण कथा में भी रुचि चाहिए, ये संभव नहीं हो पाएगा। ओके सर, सर्वप्रिय सर्वप्रिय बोल हाँ, महाप्रभु इतने खुश हुए उन्होंने राकेश्वर पंडित की सेवा की, लोगों को रोका उनके पास आने से, महाप्रभु पार्डन है। तो आपका मतलब यह है एक वैष्णव के प्रति अपराध किया दूसरे भगत के तरफ से। ओके
तो यहाँ मंदिर में एक के प्रति अपराध कर सकते हो, दूसरों को सेवा करके खुश कर सकते हो, कर सकते हो। पर अगर आप ये उदाहरण लो, हमारा प्रयास रहना चाहिए अपराधों से बच कर रहे, हमें ये नहीं सोचना। जैसे कि मन में गलत सोचना एक प्रकार से कलयुग में आपको छूट है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप मन के द्वारा विचारों को सोचते जाओ, फिर शरीर भी जुड़ जाएगा उस उन कार्यों में। यस difference of opinion between the managers, yeah. Manager or even devotees. And we might not agree with each other, and there is some dispute. Even if you don't agree with each other, there is a certain line of command in ISKCON that should be respected. We cannot say, I don't agree with this, I'm not going to do whatever you want. That is not proper. Is that your question? So, externally, we express to each other, we got all the same answer, but internally, that difference does not resolve. So, how to resolve and how to be out? Keep trying harder. We don't say that within 1 year or 2 years, everyone's going to become a pure devotee. But keep trying hard. And if we are sincerely trying, then Krishna will also help. We don't say every management decision we make is 100% right. Prabhupada never said that. And the GVC body also never says that. Is that clear? Okay. Maturity in Krishna consciousness means that you're understanding the philosophy better. Just like, what's the definition of a mature man? Mature man is one who is grown up, doesn't act childish, knows to do what is right. So maturity in Krishna consciousness means I know the philosophy and I want to live by the philosophy. Okay. Yeah. Oh. जैसे कई बार भाग कहते हैं वही चैनिंग द मैकेनिकल है, आई हैव नो अट्रैक्शन, है कि नहीं? सो आपका क्वेश्चन है, कई बार आप सेवा करते हो मैकेनिकल, चाहे मैकेनिकल हो या स्पॉन्टेनियस, आप सेवा करते जाओ। चाहे मैकेनिकल हो या स्पॉन्टेनियस, आप जाप करते जाओ। ये मत सोचो आज मैकेनिकल चैंटिंग कर रहा हूँ मैं, और मैकेनिकल भी करोगे ऐसे ऐसे इट विल बिकम प्योर। ध्रुव महाराज जंगल गए थे, इच्छा थी कि बड़ा राज्य प्राप्त हो, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि बाद में उनके भाव एकदम बदल गए। सो इवन इफ यू डू मैकेनिकल चैनिंग, मैकेनिकल सेवा, इट कैन प्योरीफाई यू। ओके, विल जस्ट टेक वन आर टू मोर क्वेश्चंस। या साधना करते हैं तब तो कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन जब सेवा करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तब अपराध होता है। और हम सुनते हैं कि मैनेजमेंट करते हुए ही कई सारे अपराध होते हैं, कम्युनिकेशन गैप या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो क्या इससे ये सीखने, क्या इससे ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट को कम करें
और साधना पर ज्यादा फोकस। मैनेजमेंट करते, मैनेजमेंट भी जरूरी है। आके देखो जैसे मंदिर बना है, ये थोड़ी के लोग ईंट ले आए, कोई सीमेंट ले आए और मंदिर बन गया। कई ने दिमाग लगाया, आर्किटेक्चर का काम किया, सब तो जाके मंदिर बना। तो इसी प्रकार प्रॉपर आई सेड मेनी टाइम्स इस्कॉन मस्ट हैव गुड मैनेजमेंट। प्रॉपर वांटेड आर डिवोटीज टू बी ट्रेन्ड इन गुड मैनेजमेंट। और इस्कॉन जी बी सी बॉडी के कई प्रोग्राम्स हैं टू ट्रेन स्टूडेंट्स, जी बी सी कॉलेज leadership courses. So we believe in training and we should take the training. And that is how to deal with the devotees, how to make decisions. We should study all this. अगर हम यही सोचेंगे management करेंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। अपराध अगर आप ठीक management करोगे तो अपराध नहीं बढ़ेगा। अपराध बढ़ेगा केवल अगर आप शास्त्रों के आधार पर सेवा नहीं कर रहे। इसी में एक और क्वेश्चन था। कोई सीनियर डिवोटी इस टाइम स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हैं एंड दैट सीनियर डिवोटी इज आल्सो एक्टिंग लाइक अ मैनेजर इन आवर लाइफ। ही इज गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस, ही इज मैनेजिंग द सोसाइटी, मैनेजिंग अ डिपार्टमेंट। कई बार स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में तो हमारी शिक्षा गुरु में बहुत सम्मान होता है तो अपराध की भावना उतनी नहीं आती, लेकिन जब मैनेजमेंट में डिफरेंसेस आते हैं, ऐसे इन्होंने क्यों डिसीजन दिया, मेरे फेवर में नहीं हुआ, या फिर ऑफ कोर्स कई बार हमारे फेवर में नहीं होता है तो दुख होता है, तो कई बार अपराध की भावना होती है, तो एक ही व्यक्ति को दोनों अथॉरिटीज के प्रति सम्मान करके अपराध ना करें, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब कि आपको फेथ होना चाहिए, ये मैनेजर हैं, मैनेजर दृष्टि से वो ठीक निर्णय लेंगे और जो मैनेजर्स हैं वो ठीक निर्णय लेना चाहिए और सोच के। और इसीलिए अभी कई मंदिरों में एवरीवेयर वी हैव काउंसिल। प्रभुपाद ने कहा कि निर्णय अगर मैं काउंसिल में लोगे तो उसका अच्छा प्रभाव होता है। प्रभुपाद ने कहा कि एक बंगाली सेइंग है, अगर आप डिसीजन लो दूसरों का राय लेकर, कुछ गलत भी हो जाए आप कह सकते हो ये मेरी राय अकेले की थोड़ी थी, ये सबसे पूछ के किया मैंने। तो प्रॉपर एनकरेज ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड जीबीसी बॉडी ऑल्सो। जीबीसी बॉडी में क्या है, एक आदमी अकेले थोड़ी निर्णय लेता है, पूरी बॉडी डिस्कस करके लेती है। तो जो चीज़ हम डिस्कस करके निर्णय लें उसकी अच्छी संभावना है इट विल सक्सीड। पर अगर हमारा मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा है, कुछ पूछो मत मेरे से, माय डिसीजन इज फाइनल, तो ऐसा मैनेजमेंट ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ओके या गुरु महाराज, कई बार हमारी मतलब ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं, नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं बचपन से ही, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना या इस तरह से, तो भक्ति में आने के बाद भी ये सब चीज़ें बहुत बाधा पैदा करती हैं भक्ति करने में, तो इन चीज़ों से इस स्ट्रगल से मतलब कई बार हताश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं होता, तो कैसे फाइट करें इन चीज़ों से? ट्राई योर बेस्ट टू डू थिंग्स द राइट वे, take instructions from those who are more senior, think that I am fool number one, I need guidance, then there will be no problem. Problem starts when you think, I know what is best for me, don't tell me anything. मुंह पर नहीं बोलेंगे don't tell me anything, मन में वो भाव होगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम हमारे आचरण से दिखा सकते हैं इस मूड में हम काम करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी का सजेशन हमेशा यही था, वी कैन सर्व, वी वर्क एज अ टीम। ओके मैंने
श्रीमद् भागवतम के 14 स्कंद में 6-10 का डायलॉग है नारद मुनि के साथ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे उनकी तपस्या से। भगवान ने 6-10 भाइयों को कहा, मैं तुम सबसे बड़ा खुश हूँ क्योंकि तुम सब भाइयों में एक ही भाव है, भक्ति योग। तो वी आर इंडिविजुअल्स, हम सब का भाव एक ही होना चाहिए, भक्ति योग प्रभु जी की शिक्षा के आधार पर। फिर भगवान ने कहा, क्योंकि तुम सब भाइयों में एक ही भाव है, मित्रता का भाव, इसके लिए मांगो मैं से क्या वर चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो अगर हम प्रभु जी की जो सिस्टम है उसके आधार पर चले तो भगवान खुश होते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मांगो मैं से क्या वर चाहिए। ओके, आई थिंक वी बेटर स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन, यस। जब आप प्रचार करने जाते हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, बड़ी दुनिया है, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कहाँ ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको पता है कि कौन से शहर में अच्छा है, कौन से शहर में कमज़ोर है, तो आप उधर ही जाओगे जहाँ अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं कहते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सहारा डेजर्ट में जाओ। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है। तो आप अपनी बुद्धि द्वारा ये निर्णय कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। अल्टर में स्मार्टफोन लेके जा सकते, फोटो कुछ नहीं है। हाँ भी और नहीं भी। सर मैं तो भक्तों को कहता हूँ, अगर टेलीफोन ऑल्टर में जा रहा है पहले उसको साफ करो, ये नहीं कि वो टेलीफोन रास्ते में था, ये था, अब तो वायरस का भी खतरा है, तो स्मार्टफोन को अच्छी तरह साफ करके जी। हाँ, असल में कई बार मैं देखता हूँ पुजारी फोन को ला रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ इसको नहीं ला सकते। ऑल्टर में अगर फोन लेके जाओगे तो गारंटी करो कि उसको हर रूप से साफ करोगे। ओके भाई, हाँ ओके, लास्ट क्वेश्चन। महाराज, मंदिर के अंदर कुछ नियम लागू किए गए हैं, जैसे बैठने का एक तरीका, तो धीरे धीरे महाराज हम देख रहे हैं कि बैठने का तरीका, जैसे ठाकुर जी को पीठ दिखा देते, उसका क्या? वी शुड नॉट सिट विद आवर बैक्स टू द डीवीज, वी शुड नॉट स्टैंड विद आवर बैक्स टू द डीवीज। आप खड़े होते हो तो पीठ को भगवान की तरफ नहीं रखना चाहिए, जब आप बैठते हो पीठ को भगवान की तरफ नहीं रखना चाहिए। और कभी मतलब बैठते हैं तो मसाज भी लेते हैं कभी मंदिर में। और इसके ऊपर काफी बात विवाद हुआ है, और ये काफी हाई मंदिर में मसाज लेते हैं। मान लो कि इस बार कुछ दर्द हो रही है या जनरली काफी इन दिल्ली और महाराज इतने लोग घबरा जाते हैं सीनियर डिवोटी के नाम से, उसे कैसे बोलूं, उसको बोलूं अपराध नहीं। अभी मान लो अगर कोई क्लास सुन रहा है, वो भगदड़ के एक मिनट के पीछे से
उसमें थोड़ा सीरियस है अगर कोई डिवोटी बीमार है कोई कर रहा है तो एक कोने में बैठ के कर सकते हैं, ये नहीं भगवान। ओके हरे कृष्ण।